दिल्ली के रोहिणी के पास प्रशांत बिहार इलाके में सोमवार को धमाके की तेज आवाज सुनाई दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये धमाका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्कूल की दीवार के पास हुआ। धमाके के तुरंत बाद धुएं के एक बड़ा गुब्बार देखा गया, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। रोहिणी के DCP अमित गोयल ने बताया कि धमाके की असल वजह का पता लगाने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि धमाका किस प्रकार का था और इसका स्रोत क्या है। DCP ने कहा कि विशेषज्ञ टीम घटना की विस्तृत जानकारी कर रही है और जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी। दिल्ली पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को मौके पर बुलाया है। FSL की टीम धमाके के कारणों की जांच करेगी और स्पष्ट करेगी कि ये किस प्रकार का हमला या फिर कोई दुर्घटना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है और जांच में सहयोग कर रही है। सूत्रों के अनुसार धमाके की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। कुछ घरों के शीशे टूटने की भी जानकारी सामने आई है। CRPF स्कूल के पास कई दुकानें भी हैं, इसीलिए संभावना जताई जा रही कि धमाका किसी सिलेंडर ब्लास्ट का परिणाम हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग की आशंका के चलते फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल इलाके को घेर लिया गया है और जांच की जा रही है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए India.com।